तरबियत पर बहुत ध्यान देना है, कहीं हमारे बच्चे बहक ना जाएं। मोबाइल सब देखते हैं, यूट्यूब सब देखते हैं, फेसबुक सब देखते हैं। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा इंटरव्यू और कोई ऐसा प्रोग्राम ऐसा आ जाए कि जो बच्चों के दिमाग पर ऐसा इम्पैक्ट, ऐसा तासुर पैदा कर दे कि खुदा ना करे, खुदा ना करे वो वक्त आए कि वो गुमराह हो जाए। लिहाजा हमें अपने नस्ल के, अपने बच्चों के जज्बात को बहुत महफूज रखना है। हम लोगों को बचपन में माएँ कहानियाँ सुनाती थीं। माँ के पहलू में जब बच्चा लेटता है तो वो कहानी सुनना चाहता है। छोटे छोटे किस्से, छोटे छोटे फजाइल, छोटी छोटी बातें, इमाम के बारे में, मासूम के बारे में अगर माएँ सुनाना शुरू करें तो यही तो जहन की वो तख्ती है जिस पर लिखा जाता रहेगा, ये माओं की जिम्मेदारी है, ये ख्वातीन की जिम्मेदारी है। अजीजों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत में माओ की। मुझ जैसा कम इल्म अगरचे कुछ अर्ज कर सका आपकी खिदमत में, तो वो वालदैन की बदौलत है। वालदैन से जो कुछ सुना, जो कुछ सीखा, वो आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। माँ की तरबियत औलाद के लिए बड़ी मुअस्सर होती है। मैंने शबे ज़रबत, सहर के वक्त, आगोश मादर से जो नोहा सुना और सुनता चला आया, उसके चार मिसरे आखिर में पेश करूँगा। अजीज़ाने गिरामी, ये बड़े कयामत की शब है, शबे ज़रबत। 19वीं माहे रमजान, सुबह की नमाज में हालते सजदा में एक दहशतगर्द, एक आतंकवादी इब्ने मुलजिम मलाउन ने एक दूसरे दहशतगर्द के इशारे पर मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सरे अकदस पर जरबत लगाई। हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा से अमन का, शांति का मुल्क है, शांति का देश है, और हमारा हिंदुस्तान हमेशा से दहशतगर्दी और आतंकवाद से बेजार रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आज भी मसाजिद में बम ब्लास्ट होते हैं और खबरें उसकी मिलती हैं। यकीनन ये इब्ने मुलजिम मलाउन की नस्ल से लोग हैं जो आतंकवाद पनप रहा है, और हमारा मुल्क हिंदुस्तान आतंकवाद से, दहशतगर्दी से हमेशा बेजार रहता है। और जितना हिंदुस्तानी मुसलमान महफूज है, किसी भी मुल्क में ऐसी सुरक्षा नहीं है। ये बड़े गम की शब है, शबे ज़रबत। इस मुनासिबत से चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए, जो मैंने आगोश मादर से सुने।
खबर